Now, good morning class. Today we will start fun with give and take. Okay, last time हम कहाँ तक कर लिए थे? पेज नंबर 85. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट मेंटल मैथ्स. ओके, नाउ मेंटल मैथ्स में आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, 80. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 80 माइनस 35 इज इक्वल टू 45. ओके, 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 80. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 प्लस स्पेस दिया है यहाँ पे आपको, फिर स्पेस दिया है आपको, इज इक्वल टू करके आपको लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट दिया है नीचे 75, ये आपको रॉन्ग दिया है, 320 नहीं हो गया, यहाँ पे 75 है, 75. फिर डैश दिया है और इज इक्वल टू करके 50 दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा जो दोनों के लिए इक्वल होगा? ओके, वो होगा आपका, यहाँ पे बीच में आएगा आपका 25 और इज इक्वल टू करके आ जाएगा इस साइड 75. ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 50. ओके, नेक्स्ट 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डी क्वेश्चन, 320 माइनस 120 इज इक्वल टू 200. ओके, नाउ 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 320. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 87. ओके, प्रैक्टिस टाइम, इंदूस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिस पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, हूज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर? आंसर कैसे करोगे आप क्या करोगे? पहले पेंसिल कितने की थी लॉन्गर आपकी? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी. ओके, तो आप पहले करोगे इसमें 15 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हाउ मच लॉन्गर? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इंदूस पेंसिल इज. राइट आंसर इज इंदूस पेंसिल इज लॉन्गर बाय 7 सेंटीमीटर, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट इज सेकंड, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट? ओके, नाउ प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट इज इक्वल टू लिख लीजिए आप 10. ओके, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर इज इक्वल टू 22. ओके, सो यहाँ पे कर लेंगे आप RS 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12. ओके, 10 आंसर हो जाएगा, 10 शुगर कॉस्ट मोर देन सॉल्ट बाई RS 12 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजय को चपाती इन 25 मिनट्स, देन द मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग? सो दिस आंसर इज, टाइम टेकन टू मेक चपाती 25 मिनट्स, टाइम टेकन टू मेक दाल 15 मिनट्स,
नाउ 5 5 10 0 2 + 1 3 + 1 4 ओके 40 मिनट्स. नाउ आंसर इज टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 40 मिनट्स. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चंचल सेल स्कूल स्वेटर्स इन 2 डेज. शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर्स. स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. ब्लू कलर की उसने एक दिन में कितने बनाई 38 एंड ब्लू कलर की उसने बनाई 66 एंड ग्रे कलर की 74. स्वेटर सोल्ड ऑन सेकेंड डे. सेकेंड डे उसने कितनी करी देखिए 40 रेड कलर की ब्लू कलर की थी 23 और 89 ग्रे कलर की. लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग. हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 डेज. तो कैसे हो जाएगा आंसर कैसे निकलेगा. ग्रे स्वेटर सोल्ड इन 2 डेज इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा 74 + 89 इज इक्वल टू 163. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर इन 2 डेज. सो रेड स्वेटर इज 38. ओके 38 + 40 = 78. Now next is blue sweater sold 2 days. 66 + 23 = 89. Okay. Now next is Chanchal did not sell more red sweaters. Sweaters. Blue sweaters as 70 is less than 89. Okay. 78 is less than 89. Okay. Now next C. Question number C. How many red and green sweaters did she sell on the first day? More than 120 or less than 120? Tick the right answer. Number of red and gray. Answer is number of red and gray sweaters sold in first day 38 + 74 = 112. Okay. Now, right answer is less than 120. Okay. How many sweaters in all did she sell on the second day? More than 140 or less than 140. Take the correct answer. ठीक है तो आपका इसमें हो जाएगा 40 + 23 + 89 = 152. So right answer is 140. Okay. So right answer is 140. More than 140. Now, is Sangeeta's right? अभी एक स्टोरी है इसे भी आप खुद कर लेंगे ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्टोरी प्रॉब्लम. निशा एंड सोनू वेर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम. निशा सेट 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट. सोनू रोट देयर आर 13 बॉयज एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल थॉट.
You can also make a story problem with your friends. Look at each pictures and the words next to it. Write your problem below it. अब आपको भी ऐसी एक स्टोरी बनानी है जैसे यहाँ पे बताई गई है निशा एंड सोनू की तरह, ठीक है? अब ये आप कर नहीं सकते हो अभी स्कूल में क्योंकि आप लोगों की फ्रेंड अभी है नहीं, ठीक है? तो आप अभी अपने लिए स्टोरी छोड़ देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हम जब स्कूल ओपन होंगे उसके बाद ये आंसर, ये क्वेश्चन ऐसे जैसे क्वेश्चन आप हमारे साथ स्कूल में कर लेंगे, ठीक है? नाउ अभी बुक में देखिए अपनी, 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर द फॉर देयर टर्न, ओके? नाउ आंसर इज देयर आर 36 मैन एंड 52 वुमेन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर ऑल्ड, ओके? नाउ बी, ये सब आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट है आपका वी हैव अवर मिड डे एंड मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, ठीक है? अब वो कह रहा है वी हैव अवर मिड डे मील, मिड डे मील मतलब जो स्कूल में उन्हें खाना मिल रहा है इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में उनको दिया जाता है, ठीक है? एंड प्ले 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का गेम खेला जाता है। अब आंसर इज वी टुक आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, फाइंड द टोटल टाइम टेकन। अब हमने कितना टाइम निकाला, ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम साहिब होम एंड किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। सो आंसर इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शाहिद होम एंड स्कूल, ओके? करेक्ट, ऐसे ही तो बनाओगे आप क्वेश्चन, ठीक है? नाउ फोर्थ वन इज बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड 34 बुक्स, बंटी हैज रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज रीड बुक्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाई बोथ, ओके? नाउ नेक्स्ट इज काउंट एंड सब्सट्रैक्ट, ये आपको आता है काउंट एंड सब्सट्रैक्ट करना, ओके? नाउ नेक्स्ट इज ऑल द किंग्स हॉर्सेस, ओके? अब कितने हॉर्सेस हैं यहाँ पे देखिए, ऑल द किंग हॉर्सेस, वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9, अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट द किंग लव हॉर्सेस बट द कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, ही गेव देम इन सच अ वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड, ओके? नाउ नाउ एक राजा है जो क्या है, उसको हॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद है बट वो काउंट नहीं कर पा रहा है कि उसके पास कितने हॉर्सेस है, ठीक है? तो आपको लिखने हैं यहाँ पे हाउ मैनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव, ठीक है? कितने हॉर्सेस उसके पास प्रेजेंट है, देखिए आपके पास नीचे दिया भी है, ये सर्कल बना रही हूँ मैं, इसमें देख भी लीजिए आप, 3 3 3 3 3 3 3 3, आपकी फोर्थ लाइन फर्स्ट रो में देखिए 3 3 3, कितना हुआ 9, ठीक है? 9 + 3 कितना हुआ 12, ठीक है? 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, ओके? सो राइट आंसर इज 24, ओके? नेक्स्ट वन इज वन डे अ विजिटर विद अ फोर हॉर्सेस केम, देयर इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट बट द हॉर्सेस कीपर हॉर्स कीपर्स वॉज
skirt. If the king saw these extra horses, he would be very angry. The visitor said, "Do not worry. Do not worry. The king will never know." So he arranged the horses like this. Okay. अब वो horses को कैसे करके arrange कर देता है, देखिए नीचे लिखा है आपको, how many horses are there now? फिर 5 हुआ प्लस 2 कितना हुआ 6, 7, 7 प्लस 2 8, 9, 9 प्लस 5 10, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 28. Okay, so right answer is 28. Okay, now next question. At night, the king came to count the horses. Along each side, he counted 9 horses. "Oh, that's fine," he said. Then he happily went to sleep. अब एक रात क्या होता है, जो किंग है वो फिर से क्या आता है, देखने आता है अपने हॉर्सेस को और काउंट करता है, 9 हॉर्सेस मिलते हैं उसे, वो काउंट करता है जब, तो क्या होता है फिर वो हैप्पी होकर क्या चल जाता है, ही सेड, मतलब खुश होकर चला जाता है सोने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर, जो चालाक क्या था जो आया था वहाँ पे, ठीक है, टायर्ड एंड ऑफ द ट्रिक, वो फिर से एक ट्रिक सोचता है. ही टुक आउट दिस आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस. अब क्या करता है वो 4 हॉर्सेस को क्या करता है, वहाँ से ले लेता है. बट ही ऑल्सो रन अवे विथ सम ऑफ द किंग हॉर्सेस. ही लेफ्ट द किंग हॉर्सेस स्टैंडिंग इन दिस वे. ठीक है, नाउ द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्सेस मिसिंग. कैन यू हेल्प हिम? अब उसे पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा, मतलब कहाँ कैसे करके उसके हॉर्सेस कहाँ कहाँ शिफ्ट हुए हैं. ठीक है, देखिए, हाउ मैनी हॉर्सेस वी आर नाउ लेफ्ट. ठीक है, कहाँ चले गए हम, देखिए, हाउ मैनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वेर, आपको दिया हाउ मैनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट, कितने बच गए, देखिए, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 1 20. ओके, सो आंसर इज 20. नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी ऑफ द किंग हॉर्सेज वेर टेकन अवे. अब देखिए यहाँ पे आंसर हो गया आपका, 4 ऑफ द किंग्स हॉर्सेज वेर टेकन अवे बाय द क्लेवर विजिटर. अब जो विजिटर था उसने क्या किया, उसने ले लिए हॉर्सेज जो थे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे, व्हाट नंबर्स आर वी इफ यू एडेड अस बोथ यू गेट 100. द डिफरेंस बिटवीन अस इज ऑल्सो 100. वन नंबर इज 100 एंड द अदर इन अदर इज 0. ओके, नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड. इफ यू एनी डाउट यू ऑल्सो कमेंट, यू ऑल्सो आस्क इन क्लास. ओके.